सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विच अलोला पोकेमोन कैन ऐश ब्रिंग बैक। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऐश फिलहाल अलोला गया था, बट उसने अभी तक अपना एक ही पोकेमोन अलोला से वापस नहीं लाया। बट इन माई ओपिनियन वो अपकमिंग एपिसोड्स में शायद फिर से अलोला जाए एंड उसके पुराने पोकेमोन को शायद उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो या वो ला सकता है अपने पुराने पोकेमोन्स को। तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर वो लाएगा तो कौन सा पोकेमोन ला सकता है। और यार बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, ये मेरी खुद की ओपिनियन है कि ऐश कौन सा पोकेमोन को वापस ला सकता है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो ब्लेस इंट्रो लगा दे। ओए फियर्स, रुक रुक रुक, तूने मेरी लाइन कॉपी क्यों की? इतना तो मेरा कहने का था ना। रुक, अभी तू गया। ये ले फ्लेम थ्रोवर, अब तू गया। सॉरी यार ब्लेस, मैं तो बस आज मजाक कर रहा था, तो इंट्रो लगा दे। सॉरी, अब से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है फियर्स, लगा था वो इंट्रो। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साइड का घंटा भी बजा देना। तो चलो मैं इंट्रो लगा के वीडियो को शुरू करता हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐश कौन सा पोकेमोन अलोला से वापस ला सकता है। सो या इन माय ओपिनियन ऐश इंसिनीरोर या मेलमेटल इन दोनों में से किसी एक को वापस ला सकता है, बिकॉज दोनों ने भी अब तक अपनी ट्रू पावर नहीं दिखाया। जैसे कि आपको पता होगा कि इंसिनीरोर टोराकैट से इवॉल्व होते ही मैच में फेंट हो गया, तो उसने तो अपनी पावर दिखाई नहीं है। एंड हाँ, मेलमेटल ने अपनी थोड़ी पावर दिखाई बट उसने भी अब तक अपनी ट्रू पोटेंशियल नहीं दिखाया, बिकॉज उसने भी बहुत कम मैचेस में लड़ाई की एंड इंसिनीरोर ने तो एक भी मैच में लड़ाई नहीं की। जैसे ही उसने प्रोफेसर कुकुई के इंसिनीरोर को हरा दिया तो वो भी उसके साथ फेंट हो गया। सो या ज़्यादा चांस यार इंसिनीरोर बनाता है। एंड हाँ, मेलमेटल में रिटर्न हो सकता है, दोनों में से कोई एक या दोनों भी एक साथ रिटर्न हो सकते हैं, बट ज़्यादा चांस यार अपना इंसिनीरोर बनाता है। एंड फिलहाल एक पोस्टर आया था, वो पोस्टर के पिक मेरे पास नहीं है, बट उस पोस्टर में इंसिनीरोर मेलमेटल ऐश के थोड़े दो तीन पोकेमोन्स थे अलोला के, तो यार उसमें मेलमेटल और इंसिनीरोर को रखा था। तो या इन माय ओपिनियन हो सकता है कि वो दो एक और बार जाए अलोला एंड मेलमेटल इंसिनियर और इन दोनों में से किसी और को वापस आ सकते हैं। एंड जैसे कि वो पता है कि पोस्टर्स ऑफिशियली कंफर्म्ड होते हैं, सो या हाँ ला सकता है बट ऑफिशियली कंफर्म्ड है। एंड इन माय ओपिनियन इंसिनियर और मेलमेटल इन दोनों में से कोई एक वापस आ सकता है, बट कुछ कह नहीं सकते। तो यार हाँ, आई थिंक दैट दोनों में से कोई आ सकता है। तो यार हाँ, आज की वीडियो में इतना ही था। हाँ गाइस, बिल्कुल छोटी सी वीडियो थी कि मैंने आपको बताया कि कौन वापस आ सकता है, क्या कर सकते हैं, एग्जाम्स में पास आ रहे हैं इसलिए छोटे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। सो यार आज की वीडियो में इतना ही था। तो यार वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस गुड बाय। और एक और बात बता दूँ, लाइक एंड रॉक और राउलेट, आप सोच रहे हो कि ये दोनों वापस आ सकते हो, तो यार ऐसा नहीं होगा। आई थिंक ये दोनों वापस नहीं आ सकते हैं, बिकॉज जो राउलेट है ना, उसने अपने पूरी पावर दिखा दी एंड लाइकन रॉक ने भी अपनी मैक्सिमम पावर दिखाई दी है, तो यार दोनों में से कोई वापस लौटने के इतने चांस नहीं बनाता। सो यार हाँ, आज की वीडियो में इतना ही था। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, तो गाइस गुड बाय।